वेलकम डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेनेशा, लेट स्टार्ट्स कंटिन्यू टू आवर टॉपिक रेनेशा और पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए वो हमारी डिटेल्स में हो गई हैं, और जो विभिन्न भौगोलिक अनुसंधान हुए लास्ट क्लास में हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। अब इस पूरे रेनेशा के इस पुनर्जागरण के क्या परिणाम निकले, स्वाभाविक है एक बहुत बड़ा चेंज था, और उस चेंज के कारण निश्चित रूप से जो परिणाम निकले वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट लेते हैं। अभी भी आपके रेगुलर एंड एनसी दोनों में क्वेश्चन आया है, कला साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए उसका आप डिटेल लिखिए। तो आपको पुनर्जागरण अच्छे से तैयार करना है, और मैंने इसका जो छोटे से छोटा टॉपिक है वो भी नहीं छोड़ा है। आपके ये जो चार पांच क्लासेस हैं इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी आप और अधिक डीपली स्टडी करेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक और अच्छे से तैयार होगा। तो होपफुली मेरी बात आप सभी को समझ में आएगी। नाउ अब परिणाम में आप जैसा कि हम करते हैं, आप लिखिएगा पुनर्जागरण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम, निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम थे। पहला आप लिखिएगा व्यापार वाणिज्य का विकास। अब देखिए, व्यापार और वाणिज्य में कब तरक्की होगी, थोड़ा सोचो इसको, और आंसर इसका मैं बता देती हूँ, जब क्लास में मिलेंगे तब आप लोग बता देना। व्यापार वाणिज्य तभी डेवलप होता है, जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है, जब किसी भी एक कंट्री के अन्य कंट्री से रिलेशन अच्छे हों, या फिर वो कंट्री पावरफुल हो। क्योंकि अभी हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिस समय बहुत सारे देश एक दूसरे के बारे में अनजान थे, और वो जब अभी हमने भौगोलिक अनुसंधान वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने देखा भी था किस तरह से जो पूर्वी द्वीप समूह था, जो पूर्वी एशिया के देश थे, उन देशों की खोज के लिए यूरोपीय कंट्रीज किस तरह से लालायित हुए थे, और किस प्रकार उन्होंने इन नवीन देशों की खोज कर उनके लिए जो सामुद्रिक मार्ग था, स्पेशली जो जल मार्ग था, उसकी खोज की थी। तो अब क्योंकि भौगोलिक अनुसंधान द्वारा इन नए देशों की खोज की गई, विभिन्न मार्गों को ढूंढा गया, तो आपका जो व्यापार था उस व्यापार में वृद्धि हुई। और किस रूप में होगी, जैसे आपको बताएं, सपोज आप ये सोचिए कि यूरोप से चाइना का मार्ग, यूरोप किसी भी आप कंट्री से आप ले सकते हैं, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो, तो वहाँ से चाइना का जो मार्ग था उससे वो लोग वहाँ के व्यापारी पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, और उन लोगों का जो व्यापार था वो इंटरनल था, अपने ही कंट्री में होता था, या आप जो यूरोप के अन्य देश थे उन तक सीमित था। लेकिन जब खोज की गई कि भारत भी एक देश है, जो वास्को डी गामा ने खोजा था, और वहाँ पर व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी उपलब्ध हैं, जब इन बातों का पता चला, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश है, तो स्वाभाविक है कि यूरोप के फिर हर एक राष्ट्र ने भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के प्रयास किए। ये उदाहरण है इंडिया का खाली, अन्य देश भी थे। आप अभी आपका ये जो थर्ड ईयर है इसी में हम लोग जो चाइना रिवॉल्यूशन है वो पढ़ेंगे, चाइना की क्रांति जो हुई थी, और उसमें आप देखेंगे आज चाइना डेवलप्ड कंट्री है, विश्व के हर डेवलप्ड कंट्री को, इवन यूएसए तक को भी वो चुनौती देने के लिए तैयार है, उससे टक्कर लेने को तैयार है। और उसी चाइना में ये यूरोपीय
किस तरह से धीरे धीरे अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने, उसको हम पढ़ेंगे जब चाइना रेवोल्यूशन अपन पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से एशिया का राष्ट्र है जापान, जो किसी भी विदेशी को अपने यहाँ नहीं आने देता था और किसी विदेशी से संबंध नहीं था, कोई भी फॉरेन पावर उसके यहाँ कभी नहीं आई। उस जापान को भी कैसे कैप्चर करा इन यूरोपियों के माध्यम से, इसको हम आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसमें करेंगे। तो जब अभी हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य का विकास इसी रूप में हुआ, जैसे जैसे यूरोप का संबंध इन पूर्वी द्वीप समूह से, पूर्वी देशों से, पूर्वी एशिया से, इनसे जब भौगोलिक अनुसंधानों के माध्यम से संपर्क बना, तो यहाँ उन्हें व्यापार के लिए पर्याप्त बाजार उपलब्ध हुए जहाँ वो अपने तैयार माल को बेच सकें। एंड इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कि जब हम व्यापार करते तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, और वो रॉ मटेरियल भी हमें यहाँ से प्राप्त हो सकता था। तो इस तरह से व्यापार के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए वो सारी कंडीशंस मिली, और इसके साथ साथ ही या इसी वजह से व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ और काफ़ी यूरोपीय राष्ट्रों को इससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुई। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, अभी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को किस रूप में आप लेंगे? आप जानते हैं उपनिवेशों की स्थापना स्टार्टिंग ही आपका जो इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ अपना कॉलोनियन स्टेट बनाया था या अपनी कॉलोनियल पावर स्टेबल की थी। तो एक ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप के जो अन्य देश थे अब वो भी इस औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो गए। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा मतलब एक इंग्लैंड के बारे में जैसे ये कहा जाता था, इस कहावत को फिर आज रिपीट करना पड़ रहा है कि ब्रिटेन इतना विशाल साम्राज्य है जहाँ कभी सनसेट नहीं होता। और वो मैंने आपको बताया भी था ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक जगह यदि सूर्य अस्त होता है तो उसी के अधिकृत दूसरी स्टेट में सूर्य का उदय हो जाता है। उस कंडीशन में यही कहेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सनसेट नहीं होता। तो यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री था जिसके पास विशाल साम्राज्य था। विशाल साम्राज्य था इसीलिए आर्थिक दृष्टि से भी वो संपन्न था। जब यूरोप के अन्य राष्ट्र इस औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हुए तो उनके सामने सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन ही था। उसका विशाल साम्राज्य होना, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना, इस बात ने यूरोप के अन्य देशों को प्रेरित किया। और आप देखिए जब भारत में ये विदेशी आए, जो यूरोपीय जातियाँ आईं, उनमें आपके पोर्चुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब लोग एक के बाद एक जो आए वो सारे लोग व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे, अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करना चाहते थे यहाँ। तो ये प्रतिस्पर्धा ही थी जो इतनी सारी यूरोपीय जातियों को भारत में आकर अपनी स्टेट बनाने के लिए उन्हें विवश किया गया औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से। तो जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्र थे यूरोप के, अभी आपको जैसा नाम बता दिया, फ्रांस है और आपका इंग्लैंड तो ऑलरेडी था ही मैदान में, इसके साथ साथ पोर्चुगीज थे, डच थे, ये सब एक के बाद एक इस औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में कूद पड़े। और बाद में जब आप फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार देखेंगे तो उसमें इटली, जर्मनी, ये राष्ट्र जो थे, हंगरी आदि, इन सभी में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। तो पुनर्जागरण का ये परिणाम था कि यूरोप के इन देशों में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। अगला पॉइंट आप लिखेंगे जहाज रानी और नौसेना का विकास।
जहाज रानी और नौसेना का विकास। अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ी जहाज रानी और नौसेना के विकास की? देखिए, जहाज रानी यानी समुद्री यात्राओं के माध्यम से जब आप व्यापार करेंगे, समुद्र के मार्ग से जब आप व्यापार करेंगे, जब आप कोई भौगोलिक अनुसंधान करेंगे, तो उसके लिए आपको जहाज रानी की आवश्यकता पड़ेगी। जहाजों का निर्माण बड़े पैमाने पर करना होगा और वो सुरक्षित भी हो। नौसेना क्यों आवश्यक है? नौसेना की आवश्यकता समुद्र में समुद्री डाकुओं और लुटेरों का भय बना रहता था, एक तो ये कारण उनसे निपटने के लिए, और दूसरी चीज समुद्री सीमा को सुरक्षित करके अपने कंट्री को सुरक्षित करना। इससे नौसेना का विकास हुआ और नौसेना सबसे जो विकसित अवस्था में मानी जाती थी पूरे यूरोप में, वो थी इंग्लैंड की नौसेना। नेपोलियन जैसा विश्व का महान विजेता भी इंग्लैंड की इस नौसेना के आगे नतमस्तक था और उसको परास्त करने में समर्थ नहीं हो पाया था। आप सभी जानते हैं नेपोलियन ने ऑलमोस्ट 40 वॉर्स की थी और कभी डिफीट नहीं हुआ था, लेकिन इंग्लैंड से डायरेक्ट टक्कर लेने में वो कई बार सोचता था और कभी आमना सामना भी नहीं हुआ। उसको उसने बड़ी कूटनीतिक तरीके से परास्त करने की योजना बनाई और उसमें उसको सफलता भी मिली, बट अल्टीमेटली ब्रिटेन के नेतृत्व में ही, अभी हम नेपोलियन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, पूरे जो यूरोपीय राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर के वाटरलू के युद्ध में 1815 में नेपोलियन को परास्त किया था। तो नेपोलियन जैसा जब महान विजेता भी इंग्लैंड की नौसेना से डरता था, तो स्वाभाविक है कि हर यूरोपीय राष्ट्र चाहता था कि अपने आप को यदि सबल बनाना है तो स्थल सेना के साथ साथ हमारी नौसेना को भी मजबूत बनाना होगा। तो ये लेकिन परिणाम किसका था? पुनर्जागरण का। और उसके आपको मैंने कारण भी बता दिए हैं कि क्यों ऐसा था। समुद्री लुटेरों से डाकुओं से सुरक्षित करना, क्योंकि व्यापार मोस्टली समुद्र के मार्ग से ही होता था और जहाज रानी को डेवलप करना भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का विकास, आपने सेकेंड ईयर में पूरा दास वंश पढ़ा है, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, तो आप भली बात ही जानते हैं दास कौन होते हैं, गुलाम कौन होते हैं या स्लेव क्या होता है। अब इन दासों के व्यापार में वृद्धि क्यों हुई, तो उसका कारण क्या था? आप देखिए, जैसे जैसे दो तीन फैक्टर्स हैं जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापार में वृद्धि के लिए जब व्यापार किया जाएगा तो सामान को लोड और अनलोड दोनों करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, एक उदाहरण। दूसरा, जो रॉ मटेरियल पहुंचाया जाता है वो श्रमिकों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। खेतों में मजदूरी का कार्य वो सब श्रमिकों के माध्यम से ही होता है और हर कोई व्यक्ति ये चाहता है या हर कोई स्टेट ये चाहती है कि उनको सस्ती दरों पर श्रमिक उपलब्ध हों। तो वो दौर ऐसा था कि उस समय दासों का बड़ा बड़ा मार्केट लगता था। पूरा आप यदि मध्य युग देखेंगे, आपने मुस्लिम हिस्ट्री भी पढ़ी है, दासों का खुले रूप से बाजार लगता था और उनकी खरीद फरोख्त हुआ करती थी। तो अपने ऐसे ही कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से दास व्यापार जो है उसमें भी वृद्धि हुई और बृहद स्तर पर ये दास व्यापार लगाए जाते थे। इसमें अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोप वासियों ने, जो वहाँ के मूल निवासी थे, वो काफ़ी बर्बर और अत्याचारी थे और शारीरिक दृष्टि से काफ़ी स्ट्रांग थे, उनसे काफ़ी मेहनत वाले काम कराए जा सकते थे, तो उनको पकड़ लाए वो। स्पेशली जो अफ्रीका महाद्वीप के लोग थे, अभी
आप देखेंगे उनको तो वो 6 फुटे इस तरह के महिलाएं पुरुष दोनों अच्छी हाइट लिए होते हैं और काफ़ी बलिष्ठ होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो वो होते मंगोल और ऑस्ट्रेलॉयड, तो उनको आपने देखा होगा उनकी जो होल फिजिक होती है उसको देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति कोई भी भारी भरकम काम कर सकता है। इवन महिलाएं भी उनके यहाँ काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उन मूल निवासियों को उन्होंने खरीदा के जबरन उनको पकड़ लाए। बहुत भोले भाले लोग थे और उनको जबरन पकड़ करके मार्केट में उनकी खुली बिक्री करवा दी। अब एक राष्ट्र द्वारा यह स्टार्ट हुआ, दूसरे ने भी इस प्रोसेस को अपना लिया और धीरे धीरे यूरोप के जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उन सभी ने इस तरह के दास व्यापार की शुरुआत कर दी। और कारण मैंने आपको बता दिया था कि जितने भारी भरकम काम है उन्हें करवाने के लिए ऐसे बलिष्ठ दासों की, ऐसे मेहनती दासों की आवश्यकता थी और वो उनको बड़ा इजीली उपलब्ध हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता था। तो इसलिए इन लोगों ने भी अपनी विवशता समझ करके, या कुछ भी आप कह सकते हैं, इस दासत्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरा, जो इन्हें पकड़ के लाते थे देवर पावरफुल, उनके कंपैरेटिवली ये लोग काफ़ी कमजोर थे। तो ऐसी स्थिति में इसका यूरोप वासियों ने गलत फायदा उठाया। बहरहाल कुल मिलाकर जो दास व्यापार में वृद्धि थी वो भी पुनर्जागरण का एक परिणाम थी। द नेक्स्ट टॉपिक इज ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। पश्चिमी सभ्यता तो हमारे आज भी बहुत देखने को मिल जाती है, आपके अपने सिटी में भी, आपके अपने कॉलेज में भी, भांति भांति के परिधान में स्टूडेंट्स नज़र आ जाते हैं यदि 1-2 दिन के लिए ड्रेस कोड हटा दिया जाए। ये आई थिंक शायद पीक पॉइंट है उसका, जो हमारा कल्चरल इफेक्ट है उसका। स्टार्टिंग जो है वो भौगोलिक अनुसंधान के बाद ये जो परिवर्तन देखने को मिले हमें पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप, तो उसमें एक चीज तो ये थी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यूरोप से बाहर की सीमाओं में किया जाने लगा और उसी में आपका भारत भी कंट्री था। मिशनरीज के माध्यम से आपके सिटी में भी जो सेंट फ्रांसिस स्कूल है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट चर्च है, आपने ये सारी चीज़ें जो इस्टेब्लिश हुई हैं ये ब्रिटिश टाइम में हुई हैं। और ये खुलमाना स्कूल एंड ये चर्च, बोथ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, ये सिर्फ अपने धर्म और संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से उस पीरियड में इस्टेब्लिश किए गए थे। ये भी बहुत बात का दौर है। स्टार्टिंग में आपने कहीं यदि पहले पढ़ाओ 1813 आई थिंक एक एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और उस एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरीज को खुले रूप से जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। तो जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है या फ्रेंच कंपनी है, ये लोग अपने व्यापारियों को या व्यापार करने की छूट दे रहे थे, धीरे धीरे जो ये मिशनरीज थे इनको धर्म के प्रचार प्रसार की छूट भी दे दी गई थी। तो विभिन्न एशियाई देशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, देन कल्चर भी डेवलप होने लगी। हमारी वेशभूषा, खान पान, इवन जो हमारा एजुकेशन का पैटर्न था उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड लिटरेचर, हर एक फील्ड आप देखेंगे उसमें हमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता दिखाई देगा। तो ये चेंजेस जो है ये ओनली ड्यू टू रेनेशा या पुनर्जागरण। नेक्स्ट आप लिखेंगे विज्ञान का विकास। आज हमें विज्ञान के बिना हर चीज अधूरी लगती है। क्यों लगती है? हम लोग उसके आदि हो चुके हैं ना। आज
यदि 5 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो आपकी मैडम जो आपकी क्लास ले रही है वो पसीना झाड़ती रहेगी और हाय गर्मी एंड सेम बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोग भी हैं। हम लोग कंपेयर करें उसी युग से जहां दिए में आराम से लोग पढ़ाई करते थे और स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते थे और उनके चश्मे नहीं थे। आज हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड में देखते हैं बच्चों के चश्मे चढ़ जाते हैं, होता है ना सब स्पेक फैशन में भी है। खैर तो ये विज्ञान जितना तरक्की कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या अपने आप को कहीं कहीं सेट भी करना चाहिए, सेट इन द सेंस कि हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम जितना लाइट के नज़दीक से पढ़ेंगे, लाइट को जितना पास में रखेंगे तो उसका इफेक्ट हमारी आईज पर होगा। मोबाइल फोन्स हैं, LEDs हैं, जो भी हैं, कंप्यूटर्स हैं, देयर आर सो मैनी इन्वेंशन इन साइंस जो हमारे लिए जितने बेनिफिशियल हैं उतने हार्मफुल भी हैं, बिकॉज उनकी जो रेंज निकलती है वो हमारी बॉडी को इंजर्ड कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में विज्ञान हमारे लिए हानिकारक है लेकिन लाभदायक, पॉजिटिविटी को हम लेंगे। विज्ञान के विकास को किस रूप में लिया जाता है, आप देखो जैसे दिशा सूचक यंत्र बने, तो जैसे समुद्री यात्रा की जाती थी तो अब तो ट्रेन है, एरोप्लेन है, उसमें पहले से ट्रेन में तो ट्रैक उसी रूट पर बिछा होता है, उस पर ट्रेन आराम से निकलती है। जो एरोप्लेन है उसमें भी दिशा सूचक यंत्र होते हैं, जो समुद्री यात्रा होती है तो वो दिशा सूचक यंत्र हमें दिशा बताता है और उसके माध्यम से वो कोई भी व्यक्ति नाविक है वो अपनी या जो भी यात्री वो अपनी यात्रा को पूरा करेगा। तो लेकिन जो भी चालक है जहाज का या हवाई जहाज का, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता होती है। तो जब नए देशों की खोज की गई उसमें ये कामयाब हुए, फिर धीरे धीरे अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से, अपने उद्योगों को विकसित अवस्था में पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार किया गया। खेती को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से खेती की गई, नए नए खेती के लिए औजार तैयार किए गए, नए तरीके से आप कह सकते पूरा वैज्ञानिकरण कर दिया गया कृषि का भी, ताकि अच्छा सा प्रोडक्शन हो और जब प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली उसके साथ साथ व्यापार में भी वृद्धि होगी। यानी एक कह सकते हैं कि एक तरह से आर्थिक युग जो है वो शुरू हो चुका था और धन के लिए इस तरह के जो नए नए आविष्कार है धन में वृद्धि करने के लिए उन पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। एनी हाउ जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि हो तो वो हर चीज में, व्यापार में, कृषि में, बड़े बड़े उद्योगों में हमें देखने को मिलता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप। एंड द लास्ट पॉइंट इज भौतिकवादी संस्कृति का उदय। इसका उदाहरण ये मेरे पीछे ही ऊपर फैन चल रहा है, ये भौतिकवादी संस्कृति का प्रतीक है, ऊपर आगे पीछे लाइट्स हैं, ये सब भौतिकवादी संस्कृति। आपके घर में कूलर है, फ्रिज है, कार है, 4-व्हीलर, 2-व्हीलर्स, हर चीज भौतिकवादी संस्कृति के उदाहरण है। और आज के समय में यदि हम कहें मनुष्य इन सब चीज का आदि होता जा रहा है और इसी वजह से ये भौतिकवादी संस्कृति डेवलप होती जा रही है। ढेर सारी सुख सुविधाओं की लालसा आज हर व्यक्ति को है, हर कोई आराम पसंद जिंदगी जीना चाहता है और इसकी शुरुआत मानी जाती है पुनर्जागरण के कारण, क्योंकि पुनर्जागरण ने बहुत कुछ दिया लोगों के जो सोच थी उसको परिवर्तित किया। क्योंकि इससे पुनर्जागरण से पहले सिर्फ उस लोग के बारे में चर्च बताता था कि आप ऐसा करेंगे तो वो लोग आपका सुधर जाएगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो मनुष्य जिस जीवन को जी रहा है इस लोक में है उसके बारे में नहीं सोचता था, वरन उस लोक की सोचता था कि वहाँ सब अच्छा होगा, स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, तो इसलिए वो वैसे ही कार्य करता था जो चर्च कहता था। लेकिन जब मानववादी विचारधारा डेवलप हुई बाय पेट्रार्क तो मनुष्य उस लोक से ज्यादा इस लोक की चिंता करने लगा और अपने इस लोक को
सुखमय बनाने का उसने सारा प्रयास किया। और इसी के परिणाम स्वरूप जो भौतिकवादी संस्कृति थी उसका विकास हुआ, आर्थिक दृष्टि से लोग संपन्न बने और भौतिकवाद आज हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलता है। तो ये परिणाम था पुनर्जागरण का। आज की इस क्लास को भी यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पुनर्जागरण के महत्व को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।